स्वागत है आप सभी का डीएनएन पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। आप देख रहे हैं 4 बजे चार बड़ी खबर। चार बड़ी खबरों की बात करते हैं, जहां पहली बड़ी खबर की बात होगी। प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में ही काम होता रहेगा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ये बात कही है। दूसरी बड़ी खबर की बात होगी, कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है सीएम शिवराज ने मंडीदीप में। तीसरी बड़ी खबर की बात होगी, डेल्टा पर हमारी नजर है, विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी यहां पर 8 डेल्टा प्लस के मरीज मिल चुके हैं। आज ही भोपाल के बैरागढ़ में एक 25 वर्षीय युवक में इसकी पुष्टि भी हुई है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर की बात होगी, जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन पर सम्मानित किया है। तो पहली बड़ी खबर की बात होगी, शिवराज सरकार के हर काम में बीजेपी पूरी तरह से साथ खड़ी है। यह बात प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व भी शिवराज सरकार के पीछे खड़ा है। उन्हें कांग्रेस पर अलगाववादी ताकतों का साथ देने के आरोप भी लगाए। वहीं उन्होंने पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों को कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी बताया और इसे योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की एक कड़ी बताया। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान में कार्यकर्ताओं की उपयोगिता पर भी चर्चा की। सर, बहुत छोटे छोटे से दो सवाल हैं, उम्मीद रखता हूँ विस्तार से जवाब दें। तो ये छोटे सवाल का विस्तार से जवाब कैसे होगा? तो सर, ये सवाल बड़ा कर लेते हैं सर। सर, एक बात कही, रोड मैप पर क्राइसिस, वैक्सीन की बात की गई, शिवराज सरकार को वैक्सीन मिल रही है, जो बात आपने अंदर मन से कही है कि बदलाव ऐसे नहीं होते। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, जेपी नड्डा की टीम में आप शामिल नहीं है, लेकिन अमित शाह की टीम में आप शामिल थे और आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश के प्रभारी के। क्या ये लाइन मध्य प्रदेश में भी आगे देखने को मिलेगी और क्या गारंटी है कि जो 2023 का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं, वो जो पदाधिकारी विष्णु दत्त की टीम में है, वो चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे? आपने इतने मार्मिक प्रश्नों को ये संक्षिप्त कहकर के मेरे पूरा एजेंडा 2023 तक का। देखो, एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अंदर क्या कहा वो तो आपको क्या पता चला मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात पक्का है, हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है ऐसा नहीं है। इस बार जनता ने नहीं दिया? नहीं, जनता दिया नहीं तो वहां रह नहीं सकता। दोबारा जनता ने दिया है, जनता देने के बाद ही वहां चल रही है। सर, बहुत छोटे-छोटे। तो जनता का भरोसा भी सीएम शिवराज पर है और पार्टी का भरोसा भी सीएम शिवराज पर है। प्रदेश प्रभारी ने खुद ये बात साफ कही है और इसी पर हम करते हैं चर्चा। फोन लाइन पर दो मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और नवीन आनंद जोशी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे होगी कि प्रदेश प्रभारी ने अब ये साफ कर दिया है कि पूरी पार्टी शिवराज के साथ खड़ी है, केंद्र शिवराज के साथ है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रदेश की जनता को भरोसा है सीएम शिवराज पर। ऐसे में जो अटकलें चल रही थी पूरी तरह से विराम इस पर लग चुके हैं कि शिवराज के नेतृत्व में ही प्रदेश में सरकार चलेगी और आने वाले वक्त की क्या योजना ये साफ नहीं की, लेकिन वर्तमान में तो शिवराज हैं जिन पर पूरा भरोसा है। निश्चित बात है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो उसका भरोसा शिवराज पर पहले से भी था और अभी भी है और वो बरकरार है। कारण उसका ये रहा कि आप देखेंगे कि जो संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड के मेंबर भी है शिवराज जी और लगातार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र की वजह से ही वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। और आप पहले देखें तो आडवाणी के साथ भी बहुत अच्छे समन्वय था शिवराज जी का, और जब मोदी जी आए तो मोदी जी के साथ भी इनका समन्वय बहुत अच्छा रहा, यही कारण था। और आप कोविड के समय में देखेंगे तो जो बेहतर काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है वो अन्य भाजपा शासित राज्यों ने नहीं कर पाए। आप एक परिस्थिति को समझे तो जो कोरोना के समय में कोविड सेंटर बनाए गए,
संभाग लेवल की समीक्षा बैठक शिवराज जी करते रहे, चाहे वो जबलपुर हो, ग्वालियर हो, इंदौर जाना हो, तो सब जगह जाते रहे और जो मंत्री समूह बनाए थे उनका हमेशा मॉनिटरिंग करना, तो ये सब कारण भी इसके पीछे रहे जिससे शिवराज जी का जो प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी काफी कार्यों की सराहना की, मोदी जी ने भी किया और अभी मुरलीधर राव जी ने भी इनकी प्रशंसा की। तो ये सब कारण ये है कि मतलब काफी सीनियर है शिवराज जी, विनम्र भी है और विनम्र के साथ साथ उन्होंने कार्य भी किया है और कार्य करके मध्यप्रदेश को दिखाया है और कि समझा कि मध्यप्रदेश जो कार्य किए गए हैं वो बेहतर रहे हैं अन्य राज्यों के अपेक्षा। तो इसलिए कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को एहसास हुआ है कि हमारा मध्यप्रदेश शिवराज जी का जो कार्य है वो बेहतर है, इसीलिए आज के मजबूती के साथ शिवराज जी खड़े हुए हैं जी। जोशी जी क्या कहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें साफ हो गई हैं कि हाँ शिवराज जो है अच्छा काम कर रहे हैं, न सिर्फ पार्टी बल्कि केंद्र उनके साथ है और जिस तरह से प्रदेश की जनता है उनका भी पूरा भरोसा शिवराज पर कायम है, तमाम अटकलें जो चल रही थी पूरी तरह से उस पर विराम लग चुका है। अंकुश जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला संगठन स्तर पर तब तक नहीं होता है जब तक कि उसको संघ का कोई वो ना मिल पाए, संघ की सलाह ना हो। तो अभी तो चर्चाएं चल रही थी जो बीच में उठा था कि एकदम से तो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन नेतृत्व राम लग गया था जब संघ की जो बातें सामने आ गई थी, तो चेहरा बदलने की बात तो अभी कहीं से कहीं तक रही नहीं और जगत प्रकाश नड्डा जी ने उस पर मुहर उस तरह से लगा दी कि जब उन्होंने ऑनलाइन बैठक में उपस्थित रहते हुए शिवराज सरकार की न केवल प्रशंसा की बल्कि उनके नेतृत्व को भी भरोसा जताया उस नेतृत्व पर। तो इससे स्पष्ट है कि जो चीजें चल रही थी, जो इस तरह का माहौल बना हुआ था वो कहीं ना कहीं केवल मीडिया में ही था, पार्टी में इस तरह की कोई चर्चा थी नहीं। इससे स्पष्ट हुआ है कि मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान से बेहतर चेहरा कोई नजर नहीं आ रहा है और परिवर्तन करके सरकार को ये भी संगठन को रिस्क लेना नहीं चाहता है। बिल्कुल। और तिवारी जी, जिस तरह से कार्य समिति की बैठक हुई, एससी एसटी मोर्चा की भी कल बैठक आयोजित हुई थी, अब ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि कोरोना काल में जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने बेहतर काम किया है और अभी आने वाले वक्त में बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान की जाए, ऐसे में ये जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तिवारी जी, अब चूंकि बीजेपी की बात करें एक मजबूत पार्टी है, लेकिन बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, अभी चार उपचुनाव भी सामने खड़े हैं, तो जो बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है, किस दिशा में चलने की आवश्यकता है? कुछ आप देखें तो लगातार मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में ही बीजेपी का जो कार्यक्रम चलता है वो जिले लेवल पे और ग्राम लेवल पे चलता है। इनकी ग्राम समितियां बनती है, केंद्र की समितियां बनती है और जो कार्यकर्ता होता है वो निचले स्तर से वो लगातार कार्य करता है। आप देखेंगे कई सारे मंडल बनाए जाते हैं जिलों में और मंडल के नीचे जो है वो केंद्र के जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ा जाता है, 15-15-20 लोगों का बूथ कमान दी जाती है, उसमें एक अध्यक्ष समिति का होता है और उसकी कार्यकारिणी गठित की जाती है और निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चलता रहता है। इनके अनुसांगिक संगठन जो भी है, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हो, विद्या भारती हो, बहुत सारे ऐसे अनुसांगिक संगठन भी हैं जो निरंतर कोई ना कोई प्रोग्राम प्रदेशों में चलाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं और निरंतर जोड़े रखने का संवाद निरंतर चलता रहता है बीजेपी में। ये अगर कहीं शून्यता है तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में जब पहले आप देखेंगे सेवा दल की स्थितियां मजबूत थी तो कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आज बीजेपी में जो अनुसांगिक संगठन है वो भी काफी मजबूत है और बीजेपी का सबसे बड़ा कारण ये है कि निचले स्तर में जो कार्यकर्ता है इनके काफी एक्टिव है और जिले में जो इनकी कार्यकारिणियां काम कर रही है वो काफी अच्छे तरीके से इनका निरंतर संवाद होता है, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का, संगठन मंत्री इनके काम करते हैं, तो इस तरह से ये काफी मजबूती के साथ उतरते हैं। आप अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव देखें तो वहाँ 2 या 3 सीट थी बीजेपी की, लेकिन अभी 70 पे पहुंच गई, तो इतना ताकत थी ये कहीं अगर जाते हैं तो चुनाव लड़ते हैं और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं, दूसरी पार्टियां इसको नहीं समझ पाती हैं, लेकिन बीजेपी में इस तरह का ये माहौल पहले से प्रदर्शित होता है कि कार्य जो है बड़े कुशलता और हर्षोल्लास से करते हैं। जी
जोशी जी, एक और अहम महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर कि बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है और इसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं सभी की सहमति से। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि अनुशासन जो है पार्टी के भीतर वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो कार्यकर्ता हैं वो जब जब पार्टी को आवश्यकता होती है, चाहे जमीनी स्तर की ही हम बात कर लें या चुनाव हो या उपचुनाव हो, हमेशा से खड़े रहते हैं। तो क्या यह समझा जाए कि अनुशासन एक बड़ी ताकत है? यह अनुशासन इसलिए वहां पर क्या देव दुर्लभ कार्यकर्ता है और उसके पीछे अनुशासन ही उनका उनको बांधे रखता है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, वहां पे कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें कार्यकर्ता ही पार्टी का सबसे बड़ा पद माना जाता है। और इसी कारण आप देखेंगे कि जो बूथ स्तर तक है, मतलब यूथ बूथ स्तर तक के जो इनके पास कार्यकर्ता है वो ऑन किसी पार्टी में उपलब्ध होते नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मोर्चा खोलती है या जब भी कुछ उसमें उसके पास एक विश्व स्तरीय, मतलब कहना चाहिए कि उसकी पहचान कार्यकर्ताओं की वजह से है, तो कोई भी चुनाव होता है तो वो हरदम चुनाव के मोड पर ही रहती है। और उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं की विशेषता ये है कि उनके ऊपर कितना भी दर्द हो, परेशानी हो, लेकिन वो व्यक्त नहीं करते, क्योंकि उनका एक मंच होता है जहां पर वो अपनी बात कहते हैं और वो सार्वजनिक तौर पर अपने इन मुद्दों को नहीं उठाते। उनके साथ यदि उपेक्षा भी हो रही होती है तो वो अपना एक बहुत समय तक इस दर्द को सहन करते हैं, बाहर नहीं आने देते। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो पहली बड़ी खबर के बाद दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मंडीदीप जिला रायसेन में ल्यूपिन कंपनी के 60 बेड के नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज मध्य प्रदेश में कोविड फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल 68,915 टेस्ट हुए, उसमें पॉजिटिव प्रकरण केवल 46 आए और पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस मात्र 937 बचे हमारे पूरे प्रदेश में। तो कुल मिला के हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटके 0.06% पहुंच गई है, जो देश में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कंट्रोल के मामले में सबसे बेहतर है। रिकवरी रेट भी हमारा बढ़ के, मतलब स्वस्थ होने वालों की दर 98.75% पहुंच गई है। मैं इसके लिए भी रायसेन जिले की जनता को, भोजपुर क्षेत्र की जनता को, मंडीदीप की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि कोविड के संकट को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने निरंतर सहयोग किया और हमने जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनाई कोविड के नियंत्रण के लिए वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, उनने भी डट के प्रशासन के साथ मिलके, कलेक्टर, एसपी और बाकी प्रशासन के साथ मिलके जबरदस्त काम किया है। तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार की कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर नजर है, इसको लेकर कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह रणनीति बनाने संवाद करेंगे। ये बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में कही। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार अभी भी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर फोकस बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर अफवाह फैलाकर सुर्खियां बटोरने के आरोप भी लगाए। तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं हम, संस्थागत पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर जिले में, हर शहर में, वहाँ पर जो भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसकी हम पूरी तरह से प्लानिंग करें। सरकारी अस्पतालों की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की तो हम पूरी तरह से प्लानिंग रिपोर्ट बनवा ही रहे हैं, पर उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों, प्राइवेट सेक्टर के संस्थानों की भी हम प्लानिंग रिपोर्ट बनवा कर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि तीसरी लहर में हम हर तरह की तैयारी को चुस्त दुरुस्त करें। बिस्तर की संख्या, आईसीयू की संख्या, बच्चों के वार्ड की सुविधाएं, बच्चों के में यदि यह तीसरी लहर का व्यापकता बढ़ती है तो उनके पेरेंट्स के रुकने की व्यवस्था, पेरेंट्स की ट्रेनिंग और उसके साथ ही पैरेलल हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, इस सब पर हम काम कर रहे हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। 8 मामले
डेल्टा प्लस वेरिएंट के संज्ञान में आए हैं। हम लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की जो सबसे तेज गति थी, जो पीक था, उस समय जितने टेस्ट हो रहे थे उतने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज भी उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टेस्ट की जो पॉजिटिव केसेस की वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो भी समयबद्ध तरीके से जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हो। मध्य प्रदेश में तो हम लगातार वैक्सीनेशन को लेकर काम कर रहे हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार मध्य प्रदेश में तेजी से और विस्तृत वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी, पाकिस्तान परस्त लोग की बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी लगातार र्यूमर फैलाने की मशीन बन गए, अफवाह फैलाओ और मीडिया की सुर्खियों में बने रहो। तो दूसरी ओर भोपाल के बैरागढ़ में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। यहां एक युवक में जीनोम सीक्वेंस की पुष्टि हुई है। युवक 5 जून को कोरोना से संक्रमित होने के बाद 9 दिन में ठीक हुआ था। अब तक मध्य प्रदेश में डेल्टा के 8 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि युवक का पूरा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है दुबे जी। तिवारी जी, शुरुआत आपसे होगी कि डेल्टा प्लस एक बड़ी परेशानी ना बन जाए, इसको लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं, नजरें हैं, लेकिन अब प्रदेश की बात कर लें, अभी तक 8 मरीज मिले हैं। दूसरी ओर आज भोपाल के बैरागढ़ में एक 25 वर्षीय युवक इससे संक्रमित पाया गया है। अब ऐसे में और किस तरह की चुनौतियां दिखाई दे रही हैं? सरकार को ये पहले से समझ में आना चाहिए था कि जो पहली लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, तो ये डेल्टा प्लस जो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के माध्यम से आ रहा है, तो अभी एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने भी कहा है कि बहुत ही खतरनाक है और ये तो जो पिछला कोरोना का कार्यकाल था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए सरकार को आप इन सुविधाओं को पहले से ही सब व्यवस्था कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे मेडिकल कॉलेजों में या जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है और जो भी हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं उनकी भी कमी है, तो इनको सबको पूरी करने की आवश्यकता है। दवाइयां उपलब्ध रहे लोगों के पास समय समय पर, ये स्वास्थ्य मंत्री को समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो केसेज आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 8 केसेज आ गए, तो इस तरह से पूरे देश में आप महाराष्ट्र में भी और कई सारी स्टेटों में ये तीसरी लहर का जो डेल्टा प्लस का मामला आया है वो कई सारी स्टेटों में आ गया है, तो मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये नॉर्मल तरीके से सरकार को नहीं लेना चाहिए, सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करनी चाहिए और एक स्वास्थ्य कमेटी बननी चाहिए जिसमें डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर हो और उनकी ब्रांडिंग हो, जो संभाग वाइज हर जिले में पर डे की जानकारी ले कि इस तरह के कोई केसेस तो नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उनकी कैसे सुविधाएं, किस स्तर पे चिकित्सालय में सुविधा हो पाए और जिससे डॉक्टर समय समय पर देख लें और स्वस्थ रहें, उसके लिए वैक्सीनेशन का भी ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे अभी सेकेंड डोज की वैक्सीन बहुत कम मिल पा रही है, जो कोविशील्ड है वो बहुत सारे लोगों को कम लग पाई है। अभी वैक्सीनेशन एक माहौल चला था जिसमें 13-14 लाख एक ही दिन में वैक्सीनेशन हो पाया है लोगों का, लेकिन सरकार को और इसकी आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लाए, लोग वैक्सीन उपलब्ध रहे और वैक्सीन लगवाएं, ये सारी व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तब जाके इस तीसरी लहर से हम कहीं निजात पा पाएंगे। बिल्कुल दुबे जी, किस तरह की चुनौती है डेल्टा प्लस को लेकर, क्योंकि 8 केसेस मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं, भोपाल के बैरागढ़ में एक 25 वर्षीय युवक में इसकी पुष्टि हुई है। डेल्टा प्लस दूसरी लहर में के साथ ही शुरू हो गया था। कई स्थानों पर अभी जो उस समय के मरीज थे उनकी अभी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है और ये वेरिएंट लगातार चेंज कर रहा है कोरोना वायरस, तो म्यूटेट करता है अपने आप को, तो इसके बारे में तो अभी से कुछ कहना, केवल सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारियां करना चाहिए और तैयारियों की बजाय और बैठकों कार्यक्रम की बजाय केवल और केवल इसी पर फोकस करना चाहिए। अभी तक ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश में नहीं बन पाए हैं, ठीक है, उनको तीव्र गति से होना चाहिए और अस्पतालों में समुचित व्यवस्था होना चाहिए।
और एक तरह से जो भय का माहौल एक बाजार जो खड़ा हो जाता है बीमारी के साथ उसको रोकना चाहिए। उसके कारण जो भय बनता है तो लोग जरा सा सर्दी जुकाम हुआ और हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, और जिसमें सीरियस मरीज है जिनको वाकई इलाज की जरूरत वो रह जाती। तो सरकार अपनी तरफ से ये भय ना पैनिक ना बनाए, क्योंकि अब जैसे बरसात का सीजन होता है तो वैसे सर्दी जुकाम शुरू हो जाती है। केवल जागरूकता इस संबंध में फैलाई जाए, जैसे धूप में खुली हवा में गंदगी नहीं रहना, घर में किसी प्रकार का वो फंगस ना रहे, इस तरह की कार्यक्रम चलाना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस और तैयारियां। अभी कितने सारे बिल्डिंग सरकारी हैं जहां व्यवस्था हो सकती है बहुत, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है अभी तक कोरोना का पूरी दुनिया में। जो इलाज है वो सभी जगह हो सकता है, आप पलंग की व्यवस्था कराएं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं यदि जरूरत पड़े, और बाकी आदमी को ये भर विश्वास होना चाहिए कि हम यदि बीमार होते हैं हमें इलाज तुरंत मिल जाएगा। पिछली दूसरी लहर में हमने देखा कि लोगों में भरोसा ही नहीं था, एक एक आदमी 10-10 अस्पताल भटक रहा, पता चल 11वें अस्पताल पे सीढ़ियों पे दम तोड़ रहा, कहीं पलंग नहीं कहीं ऑक्सीजन। एक बाजार को पूरी तरह रोकना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई ऐसी रेमेडी नहीं थी कि वो कारगर हो, लेकिन उसकी कितनी ब्लैक मेलिंग हुई, कितनी काला बाजारी हुई। ऐसे स्टेरॉइड शुरू में ही दे देते थे, जबकि 4-5 दिन तो अपनी बॉडी वैसे ही एंटीबॉडी क्षमता रखती है, जो शरीर को लड़ने की क्षमता। ये जो भय का वातावरण बाजार खड़ा कर देता है और उसके कारण जो लोग भय से और सीधे अस्पताल भगते हैं उसके कारण बहुत दिक्कत होती है। अभी लोगों को साहस दिलाने की और व्यवस्थाएं दिखनी चाहिए। स्टेडियम है, इतना बड़ा स्टेडियम, कितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, कितने बड़े सिनेमा हॉल, कितनी व्यवस्थाएं हो सकती है सरकार अपने स्तर पर चाहे। जैसे वो हर मतदान केंद्र पर 10 बूथ की व्यवस्था करती है, एक एक वोट पेज प्रभारी, आधा पेज प्रभारी बनाती है, तो वैसे ही इस संबंध में पूरी एक एक मार्किंग होना चाहिए, कहाँ एक पेशेंट मिला है तो उसके इर्द गिर्द कितने हैं, उन सब की व्यवस्था। तो सरकार यदि इसको युद्ध स्तर पर लेगी तो तभी इसमें सफलता पाई जा सकती है। अन्यथा दूसरी लहर में जो भयावह संकट हम लोगों ने देखा है, भगवान न करे कभी उसकी पुनरावृत्ति हो, और इस भय में और इस अपराध तफरी में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उसका दर्द वो ही समझ सकते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, ऐसा बहुत बड़ा नुकसान समाज का हो चुका है। अब ये नुकसान आगे ना हो, लोगों में धैर्य संयम ये सब रहे, ये सरकार को बिल्कुल ऐसा खड़े होकर दिखाना चाहिए कि हम साथ में, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी और तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो तीन बड़ी खबरों की बात की, चौथी और आखिरी बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन के नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने खुरई विधानसभा क्षेत्र के हडली ग्राम पंचायत के उन समस्त लोगों का सम्मान किया जिनके प्रयासों से इस पंचायत के तीनों गांव में 100% वैक्सीनेशन हुआ। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रमाण पत्र के साथ ही उपहार में पौधे भी भेंट किए। इस अवसर पर मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। ऐसा प्रेरणादायी काम किया है कि शहरों में भी जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां पर भी ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहां पर 100% वैक्सीनेशन हुआ हो, परंतु हमारे इस गांव में, इन तीन गांव के अंदर 100% वैक्सीनेशन हुआ है। आपके इस वैक्सीनेशन से समाज के बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बाकी लोग वैक्सीनेशन का महत्व समझेंगे। तो 4 बजे 4 बड़ी खबरों में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।